Teddy! Oh, hey, oh, slip, Ali! Ali! हे गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, सो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहे। आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस 17 के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं, अभिषेक ने लगाया एक थप्पड़ समर्थ को। समर्थ तिलमिला गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, बिग बॉस शो में खुलेआम एक थप्पड़ लगाया गया है किसी एक कंटेस्टेंट को, जिसके कारण ऑडियंस भी काफी शॉक्ड हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, बिग बॉस शो में खुलेआम किसी के साथ फिजिकल फाइट चल रहा है, बिग बॉस को जरूर स्टेप लेना चाहिए। पर क्या आप सभी जानते हैं अभिषेक ने क्यों थप्पड़ लगाया समर्थ को। आप सभी को पता ही होगा कि अभिषेक ईशा और समर्थ के बीच कुछ क्रिस क्रॉस मैटर है। एक्चुअली पहले अभिषेक की गर्लफ्रेंड ईशा थी, पर कुछ इश्यूज होने के कारण समर्थ के साथ जुड़ गई। पर जब अभिषेक के साथ ब्रेकअप हुई थी ईशा की, तो अभिषेक काफी टूट गए थे, क्योंकि वो चाहे दिल से ईशा को प्यार करते थे। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बिग बॉस में पहले ईशा और अभिषेक दोनों एक साथ आए थे, पर कोइंसिडेंटली वाइल्ड कार्ड एंट्री से करवाई गई थी समर्थ की एंट्री, जिसके कारण उन तीनों के बीच होते रहती है क्लैशिंग। समर्थ हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे अभिषेक का, और कुछ मैटर ऐसा हुआ कि समर्थ एक कपड़ा लेकर अभिषेक के मुंह में डाल दिया था, जिसके कारण वो काफी अकबका गए थे। और इसी पर गुस्से में आते हुए अभिषेक एक तमाचा धर दिए समर्थ पर। एक्चुअली वो कपड़ा नहीं बल्कि एक टिश्यू पेपर था, जो समर्थ फेंक कर मार रहे थे अभिषेक को, और वो डायरेक्टली मुंह में चला गया था अभिषेक का, जिसके कारण उन्हें काफी तकलीफ हुई। और गुस्से से तिलमिलाते हुए वो धर दिए एक तमाचा समर्थ पर। और इसी पर ऐश्वर्या शर्मा कमेंट करती है, अभिषेक ने सच में अच्छा ही कुछ काम किया है समर्थ को एक थप्पड़ लगाकर। कोई हमेशा किसी को पोक करता रहे तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही होना चाहिए, कोई चुपचाप नहीं बैठने वाला है। और ऐसा बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं अभिषेक के लिए, क्योंकि सच में अभिषेक को हमेशा ही पोक किया जा रहा था समर्थ के द्वारा। ईशा भी कहां छोड़ती थी अभिषेक को पोक करने के लिए, वो भी अपने हद पार कर गई थी, जिसके कारण उन दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ। मारा क्यों? आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।